तैयार होते हैं, सबसे पहले तो बच्चों को तैयार होने के लिए इच्छा होती है कि बढ़िया तरीके से नया नया कपड़ा पहनेंगे, ऐसे बड़े ही प्यार से, और इनकी स्नान आदि करने के बाद चमक ही कुछ अलग ही हो जाता है। अभी ठाकुर जी के लिए आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है, ये देखिए, इसको हम इनकी पोशाक पहना देते हैं। इस तरह से ठाकुर जी पोशाक पहनते हैं, देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। और जिस दिन पंचामृत स्नान होगा उस दिन आप खुद भी ये देख सकते हैं कि ठाकुर जी उस दिन कितने अच्छे से चमक रहे हैं और देखने में भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो ये हमने ठाकुर जी को पहना दिया है उनकी पोशाक। अब इनके लिए जो श्रृंगार के सामान आपके पास है, माला है, मुकुट है, और बाकी कंगन वगैरह, तो मैंने इनके परमानेंट कंगन चांदी का पहना के रखा है। ये देखिए दोनों हाथ में कंगन पहन के रखे हैं, और ये इनकी मैचिंग मुकुट है। तो इनको मुकुट पहनने से पहले मैं थोड़ा सा इनका श्रृंगार कर लेती हूँ, थोड़ा सा इनको माला वगैरह डाल देती हूँ। तो ये इनके एक बड़ा सा हार है और ये कंगन है, तो इनका भी हार कंगन सब पहना देते हैं, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल के लिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको जी, कोई भी फेस्टिवल में आप ठाकुर जी को कैसे पंचामृत स्नान करके तैयार करेंगे, तो फेस्टिवल में कभी भी ठाकुर जी को ऐसे खाली नहीं छोड़नी है, अच्छे से पोशाक पहना के अच्छे से तैयार करनी चाहिए ठाकुर जी को। हमारे सजने में, तैयार होने में, अच्छे अच्छे पोशाक पहनने में बहुत पसंद आता है। और इस तरह से ठाकुर जी हमारा तैयार हो गए हैं। अब इनको कभी हम बाल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बिना बाल के भी बड़े सुंदर दिखते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। आप सभी लोगों की इनकी तैयारी कैसे लगा ज़रूर बताना। इनको हम थोड़ा सा चंदन का टीका लगा देंगे और फिर इनको अपने आसन में विराजमान करेंगे और वहाँ पे धूप दिया भोग वगैरह लगा देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पंचामृत स्नान कैसे करना है, ठाकुर जी को तैयार कैसे करना है उसकी वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, ताकि ठाकुर जी को जन्माष्टमी के समय कैसे स्नान करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, सिक्वेंस क्या क्या होगा, तो ये सभी लोगों को पता चलेगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।